नरेश चैनल पर आने वाले सभी दर्शक श्रोता सभी को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। इस चैनल का जो मुख्य उद्देश्य है उन सारे क्रांतिकारियों को, भारत माँ के सपूतों को, शहीदों को, क्रांतिकारियों को, देशभक्तों को जिन्होंने भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व निशावर कर दिया, आखिर तक जूझते रहे, लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे, मुकाबला करते रहे फिरंगियों के खिलाफ। चूंकि अभी मैंने जो समय लिया है 1857 से 1947 वीर मंगल पांडे से सुभाष चंद्र बोस तक, अरे उन महान सपूतों को, मौन तपस्वियों को, उन अनसंग हीरोज को, उन नायक और नायिकाओं को इतिहास में कहीं स्थान नहीं मिला। मेरी जब ये 400-500 वीडियोस केवल स्वतंत्रता संग्राम की ही आपके सामने आएंगी, आपको अंदाजा हो जाएगा कि 400-500 लोगों में, क्रांतिकारियों में, महापुरुषों में, शहीदों में 5-10 के ही शायद आप नाम जानते होंगे शायद, और जिनके नाम भी जानते होंगे उनके बारे में भी कुछ नहीं जानते होंगे क्योंकि कहीं मिलता नहीं, कहीं पढ़ाया नहीं गया। दोष इस जनरेशन का नहीं है, इन काले अंग्रेजों ने आजादी के बाद जिस प्रकार का व्यवहार किया इस देश के अंदर, इस देश के लिए जो नीतियां बनाई गई, जो सोच रखी गई, पर इन काले अंग्रेजों से ज्यादा अपेक्षा ही नहीं थी। जिस संस्था को बनाया एक अंग्रेज ने और कुछ सालों के बाद गांधी जैसा व्यक्ति उनको मिला जो उनको सूट करता था। हाँ, 1924-25 में एक टर्न आया, एक मोड़ आया, जब लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस में एंट्री की लखनऊ के सम्मेलन के अंदर। वहीं से आने से पहले उन्होंने घोष दे दिया था स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो क्रांतिकारी जहां कहीं भी बैठे हुए थे उनके कानों में ये मंत्र बहुत अच्छा लगा था। सब लोग प्रेरित होकर के देश की दसों दिशाओं से लखनऊ की तरफ, उस कांग्रेस शासन की तरफ बढ़ गए थे। वो कांग्रेसी नहीं थे और उनको कांग्रेस के पास नहीं जाना था, लेकिन एक प्लेटफॉर्म था और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक वहां आ रहे हैं। जब ये सबको सुनाई दिया, आए, पता चला, आगे का सारा मैंने वर्णन वैसे तो 1857 से लगातार ले रहा हूं, 1924-25 की लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की एंट्री के बाद का, क्रांतिकारियों का, अनुशीलन समिति का, हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ का, फिर दोनों का बनारस के अंदर संयुक्त बनने का, वो सारा इतिहास आपके सामने आया है। मैंने अलग से उसका कोरी केस के अंदर रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां और राजिंदर नाथ लाहड़ी, तीन ऐसे अनसंग हीरोज, ऐसे क्रांतिकारी, उनका मैंने जीवन आपके सामने रखा है। आज मैं हर दो वीडियो के बाद, दो एपिसोड के बाद मेरी कोशिश रहती है कि मैं उन महान क्रांतिकारियों के द्वारा संबोधन के बजाय गीत और कविता के माध्यम से उनको मैं श्रद्धांजलि दूं। तो आज देशभक्ति के गीत के माध्यम से हम उनको स्मरण करेंगे जो भारत माँ की प्रतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए खुद कट गए, अरे काले पानी जैसी भयंकर सजा है। कल मैं फिर इसी का कोरी केस का आपके सामने सचिंदर नाथ बख्शी को लाने वाला हूँ, काला पानी की सजा, और उनके कारनामे सुनेंगे। छोटा सा जीवन, कितना बड़ा कार्य, कितना बड़ा कष्ट। अरे काला पानी की सजा का तो नाम सुन के ही आदमी की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, क्योंकि उस काली कोठरी में कहीं से सूरज की किरण नहीं पहुंचती थी। आइए आज एक गीत के माध्यम से उन सारे महान तपस्वियों को, हुतात्माओं को, देशभक्तों को, क्रांतिकारियों को, जिनको इतिहास में स्थान नहीं मिला, परंतु हम स्मरण करेंगे, हम सारे लोगों को ला करके ये खजाना एक जगह एकत्रित करेंगे ताकि आने वाली जनरेशन को पता चले कि आजादी किसने लेके दी और कैसे मिली।
गीत के माध्यम से शपथ लेना तो सरल है पर निभाना ही कठिन है। शपथ लेना तो सरल है पर निभाना ही कठिन है। साधना का पथ कठिन है, साधना का पथ कठिन है। शपथ लेना तो सरल है पर निभाना ही कठिन है। शलभ बन जलना सरल है, प्रेम की जलती शिखा पर। शलभ बन जलना सरल है, प्रेम की जलती शिखा पर। स्वयं को तिल तिल चला कर दीप बनना ही कठिन है। स्वयं को तिल तिल चला कर, स्वयं को तिल तिल जला कर दीप बनना ही कठिन है। साधना का पथ कठिन है, साधना का पथ कठिन है। अचेतन जो युगों से लहर के अनुकूल बहते है, अचेतन जो युगों से लहर के अनुकूल बहते। साथ बहना है सरल, प्रतिकूल बहना ही कठिन है। साथ बहना है सरल, प्रतिकूल बहना ही कठिन है। साधना का पथ कठिन है, साधना का पथ कठिन है। ठोकरे खाकर नियति की, युगों से जी रहा मानव। ठोकरे खाकर नियति की, युगों से जी रहा मानव। है सरल आंसू बहाना, है सरल आंसू बहाना, मुस्काना ही कठिन है। है सरल आंसू बहाना, मुस्काना ही कठिन है। साधना का पथ कठिन है, साधना का पथ कठिन है। तप तपस्या के सहारे इंद्र बनना
तो सरल है, तप तपस्या के सहारे इंद्र बनना तो सरल है, स्वर्ग का ऐश्वर्य पाकर मद भुलाना ही कठिन है, स्वर्ग का ऐश्वर्य पाकर मद भुलाना ही कठिन है, साधना का पथ कठिन है, साधना का पथ कठिन है, शपथ लेना तो सरल है पर निभाना ही कठिन है, साधना का पथ कठिन है, साधना का पथ कठिन है, साधना का पथ कठिन है। साधना के पथ पर चलने वाले वो साधक कौन सा साध्य था उनका? साध्य था भारत माँ की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ी हुई माता का दर्द पीड़ा, उनकी उसकी कराहट, उसकी सिसकियां भारत माँ के सपूतों को, क्रांतिकारियों को दुखी करती थी, परेशान करती थी। वो सपूत क्या है जो अपनी माँ के कष्ट को न समझ सके? और वो भारत माँ जो कभी सोने की चिड़िया और कभी विश्वगुरु रही हो, तलवार की नोक पर नहीं, संस्कृति सभ्यता के श्रेष्ठता के गुणों के आधार पर हर प्रकार से श्रेष्ठ ज्ञान, श्रेष्ठ विज्ञान, ज्ञान और विज्ञान से भरे हुए शास्त्रों की विरासत जिसके पास हो, आचरण में सर्वश्रेष्ठ समाज हो, सर्वश्रेष्ठ दर्शन फिलोसफी, ज्ञान और विज्ञान से भरपूर वेद उपनिषद पुराण गीता महाभारत रामायण सब जिसके पास हो, वो इतनी लंबी गुलामी, तुर्क अफगान फ्रेंच डच इंग्लिश मुगल, ये कितने लोग मुट्ठी भर आते रहे और इसके पवित्र शरीर पर खड़े होकर के वो यहाँ क्या क्या करते रहे, इसकी संतानों को कुचलते रहे, नहते लोगों पर वार करते रहे, देश के किसी न किसी कोने को गुलाम बनाने के लिए वो बाहर के लुटेरे कोशिश करते रहे, और भारत माँ अपने सपूतों की तरफ देखती रही। हाँ, कुछ सपूत समय समय पर भारत माँ की गोद में ऐसे देशभक्त लोग समाप्त नहीं हो गए थे, बीज नाश नहीं हो गया था, निकलते रहे, संघर्ष करते रहे। और मेरे इस चैनल का उद्देश्य है वो असल के हीरो, वो नायक और नायिकाएं जो देश की स्वतंत्रता के लिए सर्वस्व निशावर कर गए, मौन तपस्वी, उन्होंने इसलिए नहीं किया होगा कि हमें लोग हमारे चित्रों पर पुष्प मालाएं पहनाएंगे या हमारा यशगान गाएंगे, ये सोच के उन्होंने नहीं किया होगा, कर्तव्य समझकर हमको करना है, विदेशियों को भगाना है, भारत माँ को स्वतंत्र करना है, इस कर्मठता के साथ, इस साधना के साथ, इस तपस्या के साथ जो असल में क्रांतिकारी इस देश के लिए, आजादी के लिए काम करते रहे, झूझते रहे। अरे काला पानी की सजा, फांसी के तख्ते के ऊपर हमेशा के लिए झूल जाना, जेल के अंदर लंबी अत्याचार से परिपूर्ण सजाएं भोगते रहना, सी तक न करना, ये श्रृंखला आगे बढ़ती गई। मैंने 1857 से 1947 तक लिया है, मैंने वीर मंगल पांडे की पहली गोली से सुभाष के आखिरी बहुत बड़ा उसका इमीडिएट परिणाम हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन आखिरी चोट वही थी, आखिरी चोट उसका युद्ध था। और वो 4 साल पहले अंडमान की जेल के अंदर किले के ऊपर तिरंगा लहरा चुका था और स्वतंत्र भारत सरकार, आजाद भारत सरकार की घोषणा कर चुका था और 12 देशों से उसको मान्यता मिल चुकी थी,
पहला प्रधानमंत्री कोई अगर हमारा है तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। और अगर आजादी के बाद कोई डिजर्व करता था इस देश के अंदर तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस डिजर्व करते थे। पर इन काले अंग्रेजों ने, इन दुष्टों ने अंग्रेजों के साथ क्या एग्रीमेंट किया, सुभाष चंद्र मुर्दा मिलेगा हम आपको सौंप देंगे। अरे पापियों, दुष्टों, गद्दारों, नीच लोगों, आप लोगों ने आजादी की लड़ाई क्या लड़ी, आपने मां का बंटवारा किया, मां के अंग कटवा दिए, लाखों लोगों को मरवा दिया। और जो इस देश के अंदर उसके बाद भी जिस तरह से संभल के चलना चाहिए था उस तरह से ना चलते हुए और चार शेर पाकिस्तान, दो ईसाईस्तान बनने के लिए मैदान खुला छोड़ दिया। काश अगर सुभाष नहीं थे तो पटेल ही प्राइम मिनिस्टर होते। पटेल ने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर रहते हुए जम्मू कश्मीर को बचा लिया। जिस गद्दार शेख अब्दुल्ला और मक्कार नेहरू ने जिस तरह से जम्मू कश्मीर को एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या की तरह पेश करके अपने स्वार्थ के लिए और विदेशी षड्यंत्रों का शिकार हुए बिकाऊ माल ये, अगर पटेल आखिर में ना हिम्मत करते तो ये जम्मू कश्मीर भी आज हमारे पास ना होता जो बचा हुआ है। मुझे लगता है कि जब असल के उन महापुरुषों को हम स्मरण करेंगे, याद करेंगे, तो इन गद्दारों के, इन मक्कारों के कारनामे सामने आएंगे। लेकिन मेरा ध्यान आपको इस तरफ ले जाना है, गद्दार समय समय पर होते रहे। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि हमारा देश विदेशी विदेशी सैनिकों से लड़ के हार के गुलाम नहीं हुआ, हमारा देश हमारे देश के गद्दारों के कारण गुलाम हुआ। वो गद्दार आज भी दिखते हैं, पॉलिटिक्स में अच्छे अच्छे पदों पर दिखते हैं, पॉलिटिक्स के अंदर और पॉलिटिक्स के बाहर, पर्दे के आगे और पर्दे के पीछे, और समय समय पर वो पूरी तरह से नंगे होकर के सामने आते हैं। ये जो जिहादियों का, माओवादियों का चला हुआ है, खालिस्तानियों का चला हुआ है, ये किसान आंदोलन भी आपके सामने आ जाएगा, मर चुका है, लास्ट आखिरी सांस ले रहा है। चूंकि ये किसान आंदोलन नहीं था, ये फ्रॉड आंदोलन था, ये पूरी तरह से फ्रॉड से भरा हुआ था, पूरी तरह से बिका हुआ था, विदेशी षड्यंत्रों का शिकार था, चाइना का अरबों खरबों रुपया इस किसान आंदोलन के अंदर आया है, खालिस्तानियों का तो आया ही है। 5-6 देश, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मन, इंग्लैंड, कनाडा, यहाँ के गुरुद्वारों को कब्जे में किए हुए कुछ ऐसे खालिस्तानी बहुत देर से वहाँ पर बैठे हैं और समय समय पर वो यहाँ पर तमाशा करते रहते हैं। आज भी सुना है कि ISS जो पाकिस्तान की है, उन्होंने एक फिर से खालिस्तान और कश्मीर, पंजाब को और कश्मीर दोनों को डिस्टर्ब करने के लिए बहुत बड़ी योजनाएं बनाई हैं। उनका मुकाबला हमारा ये सशक्त नेतृत्व कर लेगा, मुझे विश्वास है, क्योंकि उसके लिए हमारी फौज भी तैयार है, हमारा ये नेतृत्व भी तैयार है। लेकिन बंगाल के अंदर जो हुआ है, अभी तक हमारे नेतृत्व ने, केंद्रीय नेतृत्व ने बंगाल का मैसेज अच्छा नहीं गया, बहुत अन्याय हुआ है बंगाल के हिंदू के साथ। और उस अत्याचार करने वाली महाराक्षस गद्दार रोहिंग्यास का और बांग्लादेशियों को अपना कहने वाली, मोदी को और नड्डा को और अमित शाह को बाहरी कहने वाली और संविधान की धज्जियां उड़ाने वाली, मैं ये सब इसलिए कह रहा हूं कि इन गद्दारों पर अगर नकेल नहीं हुई, इनके खिलाफ कोई अच्छे कानून, सख्त कानून नहीं बने, वो अगर नहीं बने तो भी बात नहीं बनेगी। मेरा आज का ये विषय आपके सामने लाने का और गीत के माध्यम से उन सबको याद करने का, स्मरण करने का, श्रद्धांजलि देने का जो आज पर्पस था, गीत के माध्यम से उनको स्मरण करने का, वो मैंने आज कोशिश की है। और अपने वर्तमान को अतीत के झरोखे से अगर हम वर्तमान को नहीं देखेंगे, वर्तमान के झरोखे से अगर अतीत को नहीं देखेंगे, अतीत से हम सीखेंगे नहीं तो वर्तमान अच्छा कैसे बनेगा, वर्तमान की गलतियां कैसे रिपीट फिर नहीं करेंगे,
रिपीट होंगी गलतियां अगर नहीं देखेंगे अतीत को। अतीत को भी देखना पड़ेगा, वर्तमान को भी देखना पड़ेगा, तभी अच्छे भविष्य की ओर जा सकेंगे। आइए आज इस गीत के माध्यम से दी हुई श्रद्धांजलि आपको भी अच्छी लगी होगी, और मेरा ये प्रयास जो देश के लिए, जो देश की स्वतंत्रता के इतिहास को ठीक तरह से उन पन्नों को मैं आपके सामने ला रहा हूं जो लिखे ही नहीं गए, मैं उन मौन तपस्वियों को, उन अज्ञात अनसंग हीरो नायक नायिकाओं को जो आपके सामने ला रहा हूं, ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा होगा। और अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।